दोस्तों, आप कभी ना कभी घूमने तो जाते ही होंगे, तभी आपको कहीं ना कहीं ऐसे पेड़ जरूर दिखे होंगे जिन पर ब्राउन और व्हाइट रंग पेंट किया हो। पर इस प्रकार के पेंट पेड़ों पर क्यों करते हैं, यह शायद आपको पता नहीं होगा। तो आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेड़ों पर पेंट करके उस पेड़ की आयु बढ़ा दी जाती है, और पेड़ पर आई दरारों को भी उस पेंट करके भर दिया जाता है, जिससे पेड़ ज़्यादा देर तक जीवित रहता है। और तो और, कई बार ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े पेड़ की तनों में अपना घर बना लेते हैं, जिससे पेड़ की तनियाँ कमज़ोर होने लगती है। इस कारण पेंट मारा जाता है ताकि पेड़ों पर कीड़े मकोड़े ना लगे। दोस्तों, नए पेड़ को लगाने से ज़्यादा कीमती पुराने पेड़ों को बचाना होता है। और आपको बता दूं कि यह पेंट का काम महानगर पालिका के वन विभाग करते हैं, भले ही पेड़ रास्ते पर हो या जंगल में कहीं। पेड़ों को पेंट करने का और एक मकसद यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस रंग लगे हुए पेड़ को काटता है तो उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वह पेड़ वन विभाग के निगरानी में होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेड़ों के मामले में भारत 10वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर रशिया, जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ है। और तो और, आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि हर एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में 422 पेड़ के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आई होप दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप क्या सोचते हो पेड़ों के बारे में, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए